गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब ठीक ठाक होगा। और कल 15 अगस्त है, मेरी ये वीडियो कल भी जाएगी आप लोगों तक, कल ही पहुंचेगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। और अपने अपने घरों में बच्चों के साथ 15 अगस्त सेलिब्रेट करिएगा, और पूरे दिन 15 अगस्त का माहौल बनाए रखिएगा बच्चों के साथ। बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप लोग भी बच्चों के साथ इंजॉय करिएगा। तो फ्रेंड, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त जब हम लोग को याद हो जाता है तो हम लोग का जो है पूरा, जान लीजिए, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये डेट ही ऐसी है कि जब याद आ जाती है तो मतलब मेरा, बच्चों का, सबका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आज के दिन मतलब आप लोग से शेयर नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आज कोई मतलब कोई ना डिश बनाए हैं ना कुछ कुछ भी आप लोग से शेयर नहीं किए। लेकिन जब शाम हो गया तो सोचे कि चलो थोड़ी सी आप लोग से बात कर लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, और फैमिली से अपने कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। जो अच्छाई बुराई मतलब जो भी हो सब शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब हम आपसे सारी बातें शेयर करेंगे तो आप लोग हमको अपना समझेंगे, और अपना तभी समझा जाता है जब आदमी के अंदर कोई बात छिपी ना रहे। तो चलिए, आज 14 अगस्त है, और मतलब 14 अगस्त अब क्या बताएं, आज ही के दिन हमारी सासू माँ का देहांत हुआ था, जो कि दिन हम लोग मतलब कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे बच्चे तो फ्रेंड जो है, आज 14 तारीख है, और आप जान ही रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि बच्चों के लिए दादी, बाबा, नानी, माम, नाना कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे ही बच्चों के लिए नहीं, हर बच्चों के लिए। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमारी छोटी वाली लड़की तकरीबन हमको लग रहा है 5 या 6 साल की थी, और बड़ी वाली लड़की 7-8 साल की थी। और तभी हमारे मम्मी जी का देहांत हुआ है, और आज तक वो सब उनको बहुत मिस करती हैं। अगर कोई मतलब कोई बात भी करता हूँ उनके बारे में तो दोनों रोने लगती हैं, क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी। और हम सोचे चलिए आप लोग से थोड़ी सी बातें शेयर कर लेंगे तो हमारे भी मन का बोझ हल्का हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और फ्रेंड, आज के दिन हमारी मम्मी जी का देहांत हुआ था। आज मतलब एक जान लीजिए उनकी बरसी है, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। चलिए कभी फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। और हमारी दोनों लड़कियां आज मतलब बहुत ही जान लीजिए दुखी थीं सुबह से। किसी के दादी बाबा को देखती हैं वो सब तो कहती हैं मम्मा, मेरी दादी होती तो वो भी ऐसे करती जैसे उनकी दादी करती हैं। तो समझाते हैं बेटा, सबकी दादी बाबा हमेशा नहीं रहते हैं। बाबा तो अभी हैं उनके, लेकिन दादी नहीं हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि बच्चों को जितना अटैचमेंट अपने दादी से होता है, अपने बाबा से होता है, उतना शायद और किसी से होता होगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इस पे प्लीज़ आप कोई बैड कमेंट या डिसलाइक मत करिएगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोग को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज मैं कोई ना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना कुछ शेयर कर रही हूँ, बस यही छोटी सी वीडियो है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स शेयर करिएगा। तो चलिए, आशा करूँगी कि अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आप लोग से मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।